अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, बगैर मैं खुश होंगे, बात होंगे और हैप्पी होंगे। और वेलकम टू माय चैनल व्लॉग पर आप बात अदर व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग है यार वो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि भाई बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया और हम अच्छा मौसम पेश करना चाहते हैं। तो हम ऐसे लेटे हुए थे तो हमारे भाई की फ़ोन आ गया। हमारे भाई ने बोला आओ रावा बाहर घूम के आ दें। इसका मतलब है कि बाहर आओ तो मैं घुमा के लाता। मैंने कहा भाई कहाँ जाएंगे यार। तो कह रहा आओ मौसम भी अच्छा, तो मैं एक जगह दिखाऊंगा बड़ी प्यारी है, तुम्हें पसंद आएगी। तो हमने कहा भाई नेकी और पूछ। मैं कहा चलो भाई चल पर आवा। तो चले हम चलते हैं वहाँ के जा रहे हैं हमारे भाई। और बाहर का मौसम भी बड़ा अच्छा है कि मौसम भी इंजॉय करेंगे और जगह भी देख के आएंगे, वो जगह कौन सी है। तो बस आप साथ रहिए, बड़ा टाइम वेस्ट किए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर रबी अव्वल की तैयारी चल रही है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। और आपको मैं जगह लेकर चलता हूँ हैरी पॉटर के बंगले में। देखिए हैरी पॉटर का पूरा बंगला ही लग रहा है ये, हैरी पॉटर का महल, हैरी पॉटर। ये आप चेक करें, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत बनाया है। ओला मेड के लिए आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ये फुल बैठक दी हुई इन लोगों ने, यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। आप पौधों के नीचे बैठ के फुल लायन नहीं दोस्त वोस्त और फिर टोके टोकिंग करें। भैया जी सेकेंड एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री मार रहे हैं हम। हाँ हाँ गाने सुने हम गाने, जिसको हल्का होना यहाँ जाके हल्का होना भाई। दिया हुआ है इन इंतजाम, यहाँ बैठ के फुल चिल माले खाना खाए, रिलैक्स फील करें विद आइसक्रीम कॉफी। हाँ भाई जान बड़ा प्यारा है माशाल्लाह यार, क्या बोलते हो, खूबसूरत बना है। अच्छी अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छा बना है। फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। पहली दफ़ा आयो? बाकी मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ। शावर है लेकिन ऑफ है, पानी शार्ट है भाई, बिल्कुल पानी जो होता तो बड़ा प्यारा लगता है। ये तो एक साइड है इसकी, अभी एक और साइड दिखाता हूँ मैं आपको पिछली तरफ जाके। अभी हम काफ़ी लेट होगा ना, वरना ये जॉगिंग कार का एरिया या स्विमिंग का एरिया पता नहीं क्या है, ये बंद कर दिया लोगों ने। ये स्विमिंग का एरिया है क्या एरिया, ये किस चीज़ का एरिया, ये पता नहीं क्या एरिया है।
ये तो फूड है, यहाँ तो बैठ के भाई बर्थडे शर्ट दे बनाओ, एक बेर खाओ हैप्पी बर्थडे। ये क्या चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आई। ओ पार्किंग है, सॉरी सॉरी भाई, माय मिस्टेक। भाई सर वो पार्किंग है। काफ़ी क्लोज हो रहा है अभी, बंद कर रहे हैं। कभी आएंगे यहाँ पे रोशनी में सही टाइम पे जब सारा खुला होगा। प्यारा तो बहुत है भाई, नो डाउट। ये फुल फूड फूड एरिया का देखें, यहाँ बैठ के हम दुआएं करें, कुर्सी में बैठ सकते हैं और हम लोगों ने लगाए हुए ये फुल अनोखा स्टाइल, बैठ के खाएं रिलैक्स होकर चिल मार के गोल तकिया। ये साजिद दर्शन ने पार्किंग है, इस साइड पार्किंग दी हुई है, ये पार्किंग का एरिया है और ये तो इतना प्यारा बनाया है माशाल्लाह से। बस इस साइड ये वाली जगह है जो यहाँ पर छोटे बच्चों की रेलगाड़ी का दिया हुआ इन लोगों ने। खूबसूरत जगह है, खुले आसमान के नीचे बड़ा लोगों ने प्यारा बनाया है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आएँ और ताज़ी हवा में बैठ के बच्चों को झुलाएँ, झूले वूले भी हैं इधर और खाना भी यहाँ पे बहुत सारे दिए लोगों ने, इस तरफ भी हैं खाने के आइटम, ये इस तरफ आगे जहाँ झूले दिए हुए आगे सारे खाने के आइटम दिए हुए। चलें भाई अभी हम चलते हैं, ये छोटी सी जगह थी। ये जगह कहाँ पर है तुम एनएस के? ये आपके पास है, आपके नियर है सेक्रेटरीट। कहाँ पर? सिंध सेक्रेटरीट के पास, सिंध सेक्रेटरीट के पास बनी हुई है ये जगह। यूबीएल के सामने बिल्कुल बना हुआ है, यूबीएल के सामने पीपल्स पार्क के नाम से है। पीपल्स पार्क के नाम से है ये। यहाँ पर आप आए बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, फास्ट फूड है, बच्चों का प्ले एरिया है और फ्रेश हवा है, यहाँ पे पेड़ भी पौधे भी हैं और अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा एनवायरनमेंट तो बड़ा दिया, बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट है। आप भाई घूमे फैमिली के साथ घूम सकते हैं पर आगे। और सिक्योरिटी है? हाँ सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी भी दी गई। और साथ में कॉलेज है भाई माशाल्लाह। कॉलेज है, क्या नाम है कॉलेज का? डीजे साइंस कॉलेज। डीजे साइंस कॉलेज, सिंध गवर्नमेंट कॉलेज। डीजे सिंध गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ भी अंधेरा भी क्या दिखेगा। और ये चेक करें, तो ये जगह थी गाइस जो नुमान भाई ने मुझे दिखानी थी, बड़ी प्यारी जगह है। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं क्योंकि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करता हूं, तो उम्मीद पसंद आई होगी आपको ये जगह। तो आप यहां पर आएँ और बिल्कुल रिलैक्स होके जाएंगे और बहुत खूबसूरत जगह है। सामने रविया वाल का देख रहे हैं आप, चले फिर अभी हम निकलते हैं आगे आगे अपने मंडल की तरफ परास करते हैं।
ये हम हो गए तारी रोड में एंटर। अब आपको दिखाऊंगा मैं सारे तारी रोड के नज़ारे सारे दिखाऊंगा भाई, माहौल देखें तारी रोड का। ये पूरा रोड है और तारी रोड कैसा है। ये एक साइड की मार्केट है उस रोड में और ये एक साइड की मार्केट है इस रोड में। तो मैं आपको सारे नज़ारे दिखाता हूँ, ये और इस साइड की मार्केट भी दिखाता हूँ तारी रोड की और उस साइड की मार्केट दिखाता हूँ। तो चलें आप रास्ता इंजॉय करें और सारी मार्केट देखते रहें। ज्वेलरी का एरिया है, यहाँ सारे ज्वेलर्स के हैं राई रोड में। सो गाइस, जो ये वाला एरिया है तारी रोड का, यहाँ पे सारी ज्वेलरीज और कॉस्मेटिक का है।
तो ये खुला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको आके यहाँ आगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो जो यहाँ पे शॉप्स हैं सबके यहाँ मैं आपको नाम बताता हूँ। और इसके अलावा फिर मैं जाऊँगा ज्वेलरीज के नज़ारे कराऊँगा आपको कि कौन कौन सी ज्वेलरीज आई हुई है मार्केट में इस वक्त तारिक रोड में, और कॉस्मेटिक की शॉप में भी जाऊँगा आपको जाकर कॉस्मेटिक भी दिखाऊँगा कि क्या क्या कॉस्मेटिक आई हुई है। तो यही बस खुला हुआ था तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा बहुत यही दिखा दूँ ज्वेलरीज और कॉस्मेटिक के आइटम ही। तो चलें जाके देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है भाई मार्केट में आजकल। दादा मैंने बात नहीं की, मैंने सब आपको भी दिखाया है कि देखा टाइग रोड आजकल ऐसा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें हम सब रेट शेट मालूम करेंगे, सारे से मालूम देंगे क्योंकि अभी सब बंद करके जा रहे हैं, यही वजह है बस। चले नाशिक सब यहाँ अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको, बस वीडियो लाओ है। वीडियो बना सकते हैं यार, यूट्यूबर हो सही है, यही आप सब लोग यूज़ वाला आ गया, पोशियल हो गया, जाना चाहता हूँ मैं। कॉस्मेटिक और ज्वेलरी का था जो सारा मैंने आपको दिखाया है, तो सारा आपने ये सारा आपने देख लिया, ये सब कुछ जो जो हो सका मैंने बताया आपको। अब आगे घर चलते हैं भाई क्योंकि टाइम बहुत हो गया, सब बंद करके जा रहे हैं, हम भी निकले। सारे रेस्टोरेंट हैं, सारी रोड का फेमस हॉलीवुड, ये हॉलीवुड है यहाँ पे, सारी रोड जो आया उसने यहाँ पे आदमी आया है, यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त है, जो पूरा अंदर का हॉलीवुड का है। और उसके आगे भी एक रेस्टोरेंट है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी हॉलीवुड बर्गर है, मतलब ये फास्ट फूड है वो, उसके अलावा रोल कबाब शबाब का एरिया है, ये भी हॉलीवुड का ही है, ये बड़ा फेमस है भाई ताई रोड में, ये फास्ट फूड है। हमें लग रही है भूख, अभी हम खाना खाने आए हैं, ये बिस्मिल्लाह रहमान कबाब फास्ट फूड में महमूदाबाद में है, ये बड़ा मशहूर है, खड़े के लेते हैं यहाँ बैठे खाते हैं। हर किस्म के और आइटम है, ये देखें आप चेक करें। अभी हम आ गए हैं ताजमहल में, मतलब बोले तो हमारे कमरे में, जहाँ बैठ के हम फुल चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं और कूल फील करते हैं भाई। तो यार आज का जो ब्लॉग था मैंने आपको सारा दिखा दिया, वो जगह भी दिखाई है आपको, बड़ी खूबसूरत जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई है, बड़ी अच्छी जगह है फैमिली के लिए, बड़ी प्यारी है, वहाँ जाएँ, वहाँ खुला गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, उसके बीच बैठे हैं, झूले भी हैं, इंजॉय करें, फूड भी है, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत बहुत प्यारी है। और उसके अलावा वहाँ आपको मैंने थोड़ा बहुत तारी रोड के नज़ारे भी दिखा दिए, ज्वेलरी और जाहिर सारा बंद हो गया था पता है आपको, उसके अलावा मैंने आपको ज्वेलरीज और कॉस्मेटिक का सामान दिखा दिया मेकअप का। तो बस ये छोटा सा भाई का ब्लॉग था यार, अगर पसंद आई वीडियो तो भाई को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, बेल आइकन भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अगर मैं खुश रहें, बात पाएँ और हैप्पी रहें, तब तक के लिए बाय बाय।